तो फाइनली गाइस अपने पास भी आ चुका है जो सैमसंग का फोन अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी A32। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने पास फाइनली ये फोन आ चुका है गाइस। आज के वीडियो में हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A32 की अनबॉक्सिंग। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A32 का बॉक्स। चलिए गाइस हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉक्स कुछ स्लीक सा और बहुत अच्छा दिखने वाला है। पीछे की तरफ इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे गाइस हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें इसमें देखने को वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें दी गई है सिम इजेक्टर टूल सबसे पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गाइस इसके अंदर कुछ यूज़र मैनुअल जिसको देख के आप अपना फ़ोन चलाना सीख सकते हो। बट गाइस आज के टाइम में ये कोई भी नहीं पढ़ता, वेस्ट ऑफ मटीरियल है गाइस। और गाइस इसके नीचे ही रखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A32। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके नीचे रखा हुआ है गाइस। हमें इसके नीचे देखने को मिल जाता है चार्जर जो कि होने वाला है आपका 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ में दी गई है हमें USB केबल जो कि हम देख लेते हैं जो कि होने वाली है Type-A to Type-C। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए गाइज हम इसको बीच में रखते हैं और आते हैं इसके फ़ोन की तरफ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसका रैपर उतारते हुए इसके अगर हम बैक की बात करें तो गाइज सैमसंग ने इस बार डिज़ाइन में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार काम किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कैमरा के डिज़ाइंस वगैरह हमें बिल्कुल अच्छे, जैसे कि एक कोई बटन होते हैं वैसे ही हमें देखने को मिल जाते हैं। ये बिल्कुल शाइन कर रहा है और गाइस पीछे की तरफ ये हमें प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर का 2 GHz का MediaTek Dimensity 720G प्रोसेसर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि प्रोसेसर अपने आप में ही बहुत अच्छा प्रोसेसर माना गया है। जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम्स का शौक रखते हैं, उनको ये प्रोसेसर के बारे में पता होगा। इस प्रोसेसर में आपको कोई भी गेम में दिक्कत परेशानी लैग हैंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग गेमिंग के लिए ये फ़ोन स्पेशल खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट और मज़ेदार होने वाला है गाइस। तो गाइस सेकंड अगर हम इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस हमें इसमें पीछे को देखने को मिल जाते हैं 4 कैमरे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि गाइस सैमसंग ने इस बार अपने कैमरा में बहुत ही अच्छा काम किया है डिज़ाइन में या इसकी पिक्चर की क्वालिटी में। गाइस हमें इसमें फर्स्ट कैमरा प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है 64 MP का। जी हाँ फ्रेंड्स, जिससे आपकी पिक्चर्स क्वालिटी बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार आने वाली है गाइस। तो गाइस अगर हम इसकी सेकंड कैमरा की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाता है 8 MP का। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 MP का हमें इसमें सेकंड कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि होने वाला है अल्ट्रा वाइड कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गाइस अगर हम इसकी थर्ड कैमरा की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाता है माइक्रो कैमरा थर्ड जो कि होने वाला है 5 MP का। जी हाँ फ्रेंड, जिससे आप अपने माइक्रो मैक्रो शॉट्स अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकते हो। तो गाइस अगर हम इसके फोर्थ कैमरा की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाता है 5 MP का डेप्थ कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 MP का हमें इसमें फोर्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस फाइनली अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें इस बार देखने को मिलेगी सैमसंग के इस सैमसंग गैलेक्सी A32 मोबाइल में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि गाइस आपका इस फोन में व्यूविंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। गाइस अगर आप इस फोन में वीडियोज पिक्चर्स और वेब सीरीज वगैरह देखते हो तो गाइस आपका व्यूइंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा बनने वाला है गाइस। तो गाइस फाइनली अगर हम इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी। जी हाँ फ्रेंड्स, 5000 mAh की बैटरी आपके 2 से 3 दिन मज़ेदार आराम से फ़ोन बिना चार्ज किए निकाल देगी गाइस। और गाइस हमें इसके बॉक्स में ही अंदर देखने को मिल जाता है इसका चार्जर जो कि होने वाला है 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ हमें USB केबल देखने को मिल जाएगी जो कि होने वाले है Type-A to Type-C। तो गाइस मैं आपको बता दूँ 15 वोल्ट का चार्जर आपके मोबाइल को 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा 0 से 100% तक। और गाइस हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर ये जैसे कि ये फ़ोन है हम यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हम यहाँ पे थंब लगाएंगे तो ये फ़ोन ओपन हो जाएगा गाइस। तो गाइस मुझे लगता है सैमसंग ने अपने इस फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A32 में बहुत ही अच्छा बढ़िया काम किया है। हमें इसमें देखने को मिल जाती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसमें आपका व्यूइंग परफॉर्मेंस बहुत ही मज़ेदार ऑब्वियसली गाइस बनने ही वाला है। तो गाइस अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हो या खरीद चुके हो या खरीदने की सोच रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो इस फ़ोन के बारे में तो गाइस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो और इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।